जी बेटे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे लेक्चर। आज हम मैथ का लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन इंशाल्लाह। हुमायूं जफर आप अपना जो है ना माइक उसको म्यूट कर दो बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के ऊपर। आज हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को देखेंगे मैथ के हवाले से। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन उसकी क्या है। ठीक है, डेफिनेशन में वो कहता है कि जी मैट्रिक्स जो होते हैं उसको एक रेक्टेंगल अरे का नाम दिया जाता है। अरे क्या चीज होती है? जो लगातार स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जा रही होती है। कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन जो होते हैं उसको आप अरे कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे लफ्जों में अरे को हम टेबल का नाम भी देते हैं। रेक्टेंगुलर टेबल या रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर, नंबरों की या पैरामीटर्स की या फंक्शंस की अरे हो, और वो हो क्या हो, वो इनक्लोज्ड हो पेयर ऑफ स्केयर ब्रैकेट्स। ये स्केयर ब्रैकेट होती है जिसे हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट होती है। इसके अंदर अगर वो चीज इनक्लोज्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। दोबारा सुन लें, अगर कोई भी टेबल अरेज की शक्ल में हो, वो नंबर हो या पैरामीटर फंक्शंस हो, और वो एक स्केयर ब्रैकेट की शक्ल के अंदर इनक्लोज्ड हो किसी खास रूल के तहत, किसी खास कानून के तहत, तो दैट विल बी नोन एज मैट्रिक्सेस। दैट विल बी नोन एज मैट्रिक्सेस। एक मिनट बेटे, मैं इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें रोज हैं। रो क्या होती है? नंबर है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, अमूदी लाइन में, सॉरी उफकी लाइन में जो नंबर्स होंगे, जो गिनती होगी, दैट विल बी नोन एज अ रो। ठीक है, और कॉलम क्या होता है? जो वर्टिकल, वर्टिकल जो ऊपर की तरफ होगा, जैसे यहाँ पे ये आपके कॉलम होते हैं और ये आपकी रोज होती है। ठीक है, यहाँ पे तीन ही कॉलम है और तीन ही हमारे पास इस मैट्रिक्स में रो है। तो बेसिकली रोज और कॉलम्स का मजमुआ भी होता है मैट्रिक्स। इसकी नोटेशन क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। याद रख लें कि मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, जैसे ए बी सी डी टू जी। ठीक है, और उसके अंदर जो मेंबर होते हैं, जो उसके अंदर लिखे जाते हैं, उसको हम स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं। दैट विल बी नोन एज ए बी सी एन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम मिसाल देते हैं कि ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर नंबर क्या है, 1 6 5 1, और बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर नंबर क्या है, ए बी सी डी। अब मैट्रिक्स देखो, हमने कैपिटल ए बी सी में लिखा है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे मेंबर नंबर्स के हैं और यहाँ पर नंबर मेंबर्स क्या है, छोटी ए बी सी में है, स्मॉल अल्फाबेटिक्स में है। ठीक है, कैपिटल में मेंबर्स नहीं हो सकते और ना ही स्मॉल में मैट्रिक्स का नाम लिखा जा सकता है। ये पॉइंट यहां पे बताना था, इसको ज़हन में रखिए।
अगली डेफिनेशन है बेटा ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने ये याद रख लेना है कैसे है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला होता है ना बेटा, वो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी पहले हमने रोज की बात करनी है, पहले हमने रोज को गिनना है, फिर कॉलम्स को गिनना है। पहले हमने रोज को गिनना है और फिर उसके बाद हमने कॉलम्स को गिनना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर हम देख रहे हैं 1, 6, 5, 7। तो इसका ऑर्डर क्या है? रो देखें पहले कितनी है, 1, 2, दो रोज हैं, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 multiplied by 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 multiplied by 2 हुआ। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स है और उसमें हम देखते हैं बी मैट्रिक्स है XYZ। यहाँ पे कितनी रोज हैं, 1, 2, 3। ऊपर से गिन लें या नीचे से, जैसे मर्जी आप गिन लें, 3 रोज हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कॉलम 1 बन रहा है, तो यहाँ पे उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 multiplied by 1। इस तरह आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होता है। सबसे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में देखते हैं हम इक्वलिटी को। इक्वलिटी क्या होती है? वो कह रहा है जी कि 2 matrix A and B are equal। दो मैट्रिक्स जो ए और बी हैं वो बराबर होंगे। कब? A is equal to B, ए बी के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में। दो रूल हैं, दो कानून हैं। पहला क्या है, ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर, के या तो ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम हो, ए और बी का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो वो बराबर होंगे। नंबर दो, देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, या उनके अंदर जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों, तो वो मैट्रिक्स क्या है, वो बराबर होंगे। जैसे यहां पे देखें, ए मैट्रिक्स है उसमें क्या है, 2, 3, 4, 5। बी मैट्रिक्स है उसमें क्या है, 2, 3, 4, 5। अब देखें, हम देखते हैं इसका पहला रूल क्या है कि सेम ऑर्डर। ऑर्डर हम यहाँ पे देखते हैं जिसमें कितनी रोज हैं, पहले हमने रोज को देखना है, 2, 1, 2, कॉलम 1, 2, ठीक है, 2 by 2, और ऐसे ये भी 1, 2, 1, 2, 2 by 2, तो ऑर्डर भी इनका सेम हो गया। अब आगे क्या है, नंबर भी देखो, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं, ये जो है इसका क्रॉसपोंडेंट है, ये 3 इसका क्रॉसपोंडेंट है, ये 4 इसका क्रॉसपोंडेंट है, ये 5 इसका क्रॉसपोंडेंट है। जब वो भी बराबर हैं, दोनों रूल ट्रू हैं, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगला बेटे हम पढ़ते हैं एडिशन को। एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सर, टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन। दो मैट्रिक्स उस वक्त ऐड किए जा सकते हैं, कब, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो। सर, अगर ऑर्डर सेम हो तो उनको आप जमा कर सकते हैं, ये बातें आपने याद रखनी है। जैसे इक्वलिटी के रूल्स हैं, इन दोनों रूल्स को आपने याद रखना है मेरा बेटा। और बेटा जी, एडिशन करते हुए जो रूल है वो आपने याद रखना है कि कब आप उनको ऐड कर सकते हैं, जब उनके उन मैट्रिक्स के क्या बराबर हो। टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे आर द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो, ठीक है, तब हम उसको कर सकते हैं।
मिसाल उसकी देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसमें दो तीन चार पाँच हैं, बी मैट्रिक्स में सात पाँच तीन दो हैं, इसको हम ऐड करते हैं। तो याद रखें करास्पोंडेंट एलिमेंट, करास्पोंडेंट एलिमेंट में जमा होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये जो टू है टू प्लस सेवन होगा, ये टू को इस सेवन के साथ जमा कर देंगे, इस थ्री को फाइव के साथ जमा कर देंगे, थ्री प्लस फाइव होगा, ऐसे ही फोर प्लस थ्री होगा और फाइव प्लस टू होगा। क्या जवाब आया? नाइन एट सेवन सेवन। इस तरह आप इनको जमा कर सकते हैं, एडिशन बहुत ही आसान है। इसको आप देख लें, दोबारा देख लें, टू को सेवन के अंदर करास्पोंडेंट एलिमेंट में, थ्री को, थ्री का करास्पोंडेंट क्या है फाइव, उसके अंदर जमा करेंगे, फोर का करास्पोंडेंट क्या है थ्री, इसके अंदर जमा करेंगे, फाइव का करास्पोंडेंट क्या है टू, आप इसके अंदर जमा कर देंगे उसको। तो इस तरह उसका जवाब आ जाएगा, सेवन प्लस टू नाइन, फाइव प्लस थ्री एट, फोर प्लस थ्री सेवन, फाइव प्लस टू सेवन। ठीक हो गया मेरा बेटा, बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। यस सर। जी सर। वेरी गुड। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये बेटे रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है? अगर आप रूल्स को याद रखेंगे तो आगे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। पहला रूल क्या है जमा के लिए, फॉर एडिशन के लिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, अगर ए और बी कन्फर्मेबल हो, कन्फर्मेबल हम ऊपर देख के आए हैं कि ए के रोज की तादाद और बी के रोज की तादाद बराबर हो या उनके क्रॉसपोंडेंट एलिमेंट जो हैं वो एक जैसे हों। जैसे अभी हमने ऊपर देखा है, मैं दोबारा ऊपर लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें, ये कन्फर्मेबल है, यहाँ पे भी दो, एक दो, दो ही रोज हैं, दो ही कॉलम है, यहाँ पे भी दो ही रोज हैं, दो ही कॉलम है। सिमिलरली यहाँ पे भी टू है पहला और इधर भी टू है पहला, इधर भी थ्री है उधर भी थ्री है, इधर भी फोर है उधर भी फोर है, इधर भी फाइव है उधर भी फाइव है। वो कहता है अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेबल क्रॉसपोंडेंट एलिमेंट कन्फर्मेबल है, ठीक है? अगर ऐसा हो तो क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी, तो जब भी आप ए मैट्रिक्स को बी में जमा करेंगे या बी को ए में जमा करेंगे तो वो बराबर होंगे। तो जाहिर बात है जब दोनों में ही सेम डिजिट हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो इस ए प्लस बी का जवाब भी वही होगा और बी प्लस ए का जवाब भी वही होगा, ठीक है? और इस कानून को बोलते हैं कम्युनिटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिटेटिव लॉ। जब ए बी, ए और बी को जमा करें और बी और ए को जमा करें और बराबर आ जाए जवाब, तो दिस विल बी नोन एज, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा कि कम्युनिटेटिव लॉ क्या होता है। ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी है, इफ ए बी एंड सी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, अब उसने कहा तीन अगर सेट जो हैं वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, देन ए प्लस बी, पहले ए और बी को आप जमा करें, जो जवाब आए उसको सी में जमा करें, वो बराबर होगा जिसको ए के पहले बी और सी को जमा करें और फिर उस इन दोनों के जवाब को ए में जमा करें, उन दोनों के में इन दोनों के बराबर होगा। जैसे ये हमने बात की थी ऊपर, देखें जारी बात है वो भी बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये आपका कम्युनिटेटिव लॉ है और ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। इफ द नल आर जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, यहां पे भी जीरो हो, यहां पे भी जीरो हो, यहां पे भी जीरो हो, यहां पे भी जीरो, वो मैट्रिक्स इसमें सारे जीरो हो, सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको आप नल मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ नल आर जीरो मैट्रिक्स इज एडेड टू अनदर मैट्रिक्स, अगर उसको किसी भी मैट्रिक्स में आप ऐड करते हैं तो क्या हो, द मैट्रिक्स विल नॉट बी चेंज, वो जो दूसरा मैट्रिक्स है वो ना तब्दील हो,
ऑब्वियसली वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब ए है कोई मैट्रिक्स, फर्ज करो ये ए मैट्रिक्स है, उसके बराबर हम जीरो 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 उसको जमा करते हैं, तो जवाब क्या आएगा, ए ही जवाब आएगा ना। तो ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, पहली को आप कम्यूनिटेटिव लॉ बोलते हैं, दूसरी को आप एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, और तीसरे को आप क्या कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो उसमें तब्दीली नहीं होती। मिसाल के तौर पे अभी हम एक मिसाल देख लेते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 6 8 4 -4, वो जवाब क्या कह रहा है, देन फाइंड ए प्लस बी, ए और बी का निकालें। सॉल्यूशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। तो यहां पे देखें, वन क्रॉसपोंडेंट वन का क्या है 6, 1 + 6 आ जाएगा, 2 का क्रॉसपोंडेंट क्या है 8, 2 + 8 आ जाएगा, 3 का क्रॉसपोंडेंट क्या है 4, 3 + 4 आ जाएगा, 4 का क्रॉसपोंडेंट क्या है -4, 4 + -4 वो माइनस हो जाएगा, 4 - 4 आ जाएगा, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, और ऐसे ही 4 - 4 0 हो जाएगा। तो ये उसका जवाब होगा 7 10 7 0, ठीक है। मेरा ख्याल एडिशन था कि काफी है, बाकी हम कल को देखेंगे, ठीक है। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल कर लें, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग इसकी, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है सर। ये डेली बेस पे होंगी या मेरे टाइम टेबल आपसे शेयर हो जाएगा, उसके मुताबिक आप लोगों को इंशाल्लाह क्लासेस हुआ करें, 3 दिन हुआ करेगी हमारी क्लास आपके साथ, 3 दिन हुआ करेगी, ठीक है। और ग्रुप के अंदर लिंक आ जाए, बाकी टीचरों ने भी देनी है क्लासेस ना, जी सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ, अल्लाह हाफिज़। ओके।